पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में गवर्नमेंट लाती है हर 3 महीने में एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर से भी एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम ऐसी है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट में, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से बढ़ाया गया है। दोस्तों 5 साल का ये अकाउंट होता है, जिसे आप चाहें तो 10 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़ों के नाम पे तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया ही जा सकता है, और साथ ही साथ बच्चों के नाम पे भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 6.7% क्वार्टरली कंपाउंड कर दिया गया है। पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था 6.5, तो यानी 0.20% से रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 अक्टूबर से बढ़ा दिया गया है। और इसमें इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है वो क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है, यानी हर 3-3 महीने में कंपाउंडिंग होती है। तो ये 6.7% वाला रेट थोड़ा ज्यादा ही बैठता है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए, तो आपको मेच्योरिटी मिलती है 3,56,829 की। अगर आप इसमें ईयरली इकट्ठा डिपॉजिट कर लेते हैं, साल का पूरा एडवांस डिपॉजिट कर लेते हैं, तो 2,000 रुपीज की आपको रिबेट यानी डिस्काउंट भी मिल जाता है। यानी 5,000 के अकाउंट पे आपको 60,000 की जगह 58,000 ही इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो आपको 500 रुपीज की रिबेट मिलती है। लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल से 5 साल के पीरियड के बीच में अगर आप इस अकाउंट को ब्रेक कर देते हैं तो आपको सिर्फ सेविंग्स बैंक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्कीम की तरफ, टाइम डिपॉजिट अकाउंट यानी TD अकाउंट। दोस्तों इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलती है। 1 साल का भी खुलवा सकते हैं आप, 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें भी आप बड़ों के नाम या माइनर्स के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो 6.9% का रेट है, 2 साल के टाइम डिपॉजिट में 7%, 3 साल के टाइम डिपॉजिट में भी 7%, और अगर आप 5 ईयर्स का टाइम डिपॉजिट अकाउंट करवाते हैं तो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमें ईयरली पेएबल होता है, लेकिन कैलकुलेट क्वार्टरली किया जाता है, यानी कंपाउंडिंग इसमें भी क्वार्टरली ही होती है। लॉक इन पीरियड रहता है 6 महीने का। ध्यान रखिएगा TD अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है ईयर के ईयर, वो हमारे अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, तो इसमें क्यूमुलेटिव ऑप्शन अपने को नहीं मिलती है। अपनी थर्ड स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF। 15 साल का ये अकाउंट होता है, जिसे आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कई लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी PPF अकाउंट खुलवाते हैं और उसको अपनी रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें आप जितना चाहे लंबा टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों के नाम पर या बड़ों के नाम पर, दोनों के नाम पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है वो है 7.1%। ये फ्लक्चुएटिंग रेट है दोस्तों, हर 3 महीने में गवर्नमेंट नया रेट लाती है, तो PPF जो आपका चल रहा होगा उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिक्स रेट नहीं है ये। इसमें अपने को मैक्सिमम 1 साल में यानी एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 1.5 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि मैंने बताया इसमें फ्लक्चुएटिंग रेट है, फिक्स रेट नहीं है, गवर्नमेंट हर 3 महीने में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकती है। पार्शियल विड्रॉल इसमें अलाउड है आफ्टर 5 ईयर्स। इसमें अपने को टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है PPF का वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। ये सबसे बड़ी USP है PPF अकाउंट की। चलिए अब अपनी फोर्थ स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, मंथली इनकम अकाउंट यानी MIS। 5 साल का ये अकाउंट होता है, इसमें 1 टाइम डिपॉजिट करना होता है। बच्चों के नाम पे, बड़ों के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक नाम से मैक्सिमम 9 लाख, और अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मैक्सिमम 15 लाख तक डिपॉजिट आप कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% का है, पेएबल मंथली। अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पर मंथ 5,550 का इंटरेस्ट मिलता है लगातार 5 साल, और 5 साल के बाद आपका 9 लाख रुपीज आपको रिटर्न कर दिया जाता है। लॉक इन पीरियड रहता है 1 साल का, 1 साल के बाद आप प्री मेच्योर कर सकते हैं। फिफ्थ स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है। 5 साल का ये अकाउंट होता है, जिसको आप 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड जब करेंगे तो जो एक्सटेंशन के टाइम पे नया रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही एप्लीकेबल होगा। इसमें सीनियर सिटीजन यानी 60 एज वाले तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी की एज 55 से ज्यादा है और उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है, VRS लिए, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिफेंस के एम्प्लॉयज हैं, अगर वो रिटायर हुए हैं 58 से ऊपर वाले, तो वो भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा अपना रिटायरमेंट का अमाउंट मिलने के 1 महीने के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया चल रहा है इसमें, 8.2% का पर एनम, पेएबल क्वार्टरली। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का है वो 8.2%, लेकिन आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
मैक्सिमम आप एक नाम से 30 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हर 3 महीने में 61,500 का इंटरेस्ट मिलता है लगातार 5 साल, और 5 साल के बाद आपका डिपॉजिट अमाउंट आपको वापस दे दिया जाता है। इसको आप कभी भी प्री मेच्योर कर सकते हैं, इसमें भी आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। चलिए अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, किसान विकास पत्र यानी केवीपी। केवीपी का टेन्योर होता है 9 years and 7 months। इसमें आप बड़ों के नाम पर और बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का मिल रहा है। जो भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो डबल होके आपको मिलता है 9 years and 7 months के बाद। यानी आपने 1 lakh rupees इन्वेस्ट किया तो 9 years 7 months के बाद वो आपको 2 lakhs की मैच्योरिटी मिल जाती है। लॉक इन पीरियड होता है 2.5 years का। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी NSC। टेन्योर है 5 years का, बड़ों के नाम पे बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.70% का। अगर आप इसमें 1 lakh डिपॉजिट करते हैं तो मैच्योरिटी पे 1,44,903 rupees मिल जाते हैं 5 years के बाद। इस स्कीम में बीच में इंटरेस्ट नहीं मिलता, 5 साल के बाद आपको कट्ठी मैच्योरिटी मिल जाती है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप प्री मैच्योर स्कीम को नहीं कर सकते हैं। इसमें अपने को टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 lakh तक की। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्कीम की तरफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये 21 साल का अकाउंट होता है, डिपॉजिट करना होता है 15 साल। कोई भी 10 साल से छोटी गर्ल चाइल्ड के नाम पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है 8% का। मैक्सिमम इसमें आप 1.5 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 April से 31 March के बीच में। इसमें भी फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, यानी हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट नया रेट ला सकती है और जो भी नया रेट होगा वही आपके अकाउंट पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि 8% का रेट 21 साल के लिए फिक्स हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें भी अपने को टैक्स रिबेट मिल जाती है और टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है। तो अगर आपके छोटी गर्ल चाइल्ड है 10 साल से छोटी, तो ये बहुत ही अच्छा अकाउंट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।